हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं रेडी हो गया हूँ। इसके बाद हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते में आज क्या है मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन दूध तो कंफर्म है। दूध रखा हुआ है, देखिए आप, दूध है, केले, यही खाना पड़ेगा। जंगल में इसके अलावा और कुछ मिलता भी नहीं है। बाकी चीज़ तो छोड़ ही दीजिए, मैं यहाँ पर सोता हूँ। ये अपनी चारपाई, ये हमारा रूम है और अभी खाना भी बन रहा है। दाल रखी हुई है, दाल बन रही है, उसके बाद सब्जी, दाल चावल। तो आज का सीन ऐसा है कि मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आज तो वैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो चलिए फटाफट दूध पी लेता हूँ, नाश्ता कर लेता हूँ और रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, अभी जो आप लोग न्यूज़ तो देखते ही होंगे, और न्यूज़ में आजकल असम में बाढ़ के हालात बहुत गंभीर बताए जा रहे हैं। कल एक वीडियो सामने आया था जिसमें हाथी पानी में बह रहा था। सोच के देखिए कितना भयंकर नज़ारा होगा जब हाथी पानी में बह रहे हैं, तो क्या लेवल की बाढ़ आई होगी वहाँ पर। लेकिन ये सब मानव के परिणामों का ही नतीजा है जो जानवर भुगत रहे हैं। जानवर, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जानवर बह गए या इतनी बाढ़ आ गई या कोरोना आ गया, लेकिन ये आजकल ट्रेंड टाइप का बन गया। हर साल कुछ ना कुछ हो रहा है, लाखों करोड़ों लोगों की जान जा रही है। ये सब मानव के दुष्परिणामों का ही नतीजा है। तो इसे मानव समझ नहीं रहा है, अपनी मनमर्जी से कुछ भी करता है। अगर मानव प्राकृतिक को लेकर सीरियस नहीं होगा, तब तक ऐसे ही माहौल बना हुआ रहेगा। हर साल कुछ ना कुछ बीमारियाँ, बाढ़, आपदाएँ, भूकंप, ये सब होते रहेंगे। जब तक आपको गंभीर रूप से सोचना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, लेकिन आजकल कोई लगाता नहीं है, सबको काटने से मतलब होता है, लगाने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो पेड़ लगाना खाली फॉरेस्ट की जिम्मेदारी नहीं है, ये आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि प्रतिवर्ष कम से कम 10-10 पौधे सभी लोग लगाएं, तो हमारा इन्वायरमेंट कुछ और ही होगा, माहौल चेंज हो जाएगा, ये सब परेशानियों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। और स्थिति तो बहुत धांसू हो जाएगी। तो दोस्तों, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ जंगल जाने के लिए, तो अभी हम जंगल चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जंगल और काम यहाँ पे चल रहा है। देखिए पीछे काका थैला वैला लेके, सामने नंदू भैया चल रहे हैं, बस रस्सी वस्सी है, ये लगता है आज पेड़ में चढ़ के बताएंगे अपन को। और दिनेश भैया गड्ढा खोद रहे हैं। नंदू भैया के पास रस्सी है, आज ये पेड़ में चढ़ के बताएंगे। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर 49 प्लस है, पसीना अब तो चेहरे पे झलक ही रहा होगा। यहाँ का जंगल बहुत शानदार है, आज यहाँ ठंडा भी लग रहा है और पसीना भी आ रहा है। तो दोस्तों, अभी ऐसा हुआ है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, बाइक जिससे हम आए थे, तो अभी मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। गाड़ी तो आगे गई है और इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं बता नहीं सकता, टेम्परेचर वही 49 प्लस चल रहा है यहाँ पर, और पसीना तो पूछिए ही मत, वो तो दिख ही रहा होगा। तो दोस्तों, हमने यहाँ गाड़ी बनवाने दिए थे, लेकिन अभी गाड़ी शायद बनी नहीं है। ये गाड़ी है, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पर, और पैदल चलना पड़ा था हमें, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गाड़ी बन जाएगी, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। गाड़ी चालू कर।